नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, बुढ़ापा तो सब पर आता है, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे किसी भी व्यक्ति ने कितनी ही सिद्धि क्यों नहीं कर ली हो, लेकिन हम अपने बुढ़ापे को कभी नहीं रोक सकते। हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन हम सारा धन देके भी किसी से अपनी जवानी नहीं खरीद सकते। और बुढ़ापा आते ही हमारे सभी लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिनके लिए हम पूरा जीवन लगाते हैं, जिनको पालन पोषण करने में, अपनों का घर बनाने में, और एक पक्षी की तरह, जैसे एक पक्षी एक तिनका उठा उठा के अपना घोंसला बनाता है, और जैसे ही घोंसला बन जाता है और पंछी बूढ़ा हो जाता है तो उसे सब छोड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार हम लोगों का बुढ़ापा आते ही सब लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। और बुढ़ापा ये नहीं, आज हम पे आया है, कल तुम पे भी आएगा। चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो या सिद्ध हो, लेकिन हम पूरा धन बल कुछ भी करके अपना जवानी नहीं खरीद सकते। इसलिए बुढ़ापे को में हमारा साथ क्यों छोड़ जाते हैं, आइए इस कहानी द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। चाणक्य जी ने अपने शिष्य को कहा कि देखो, बुढ़ापे के बारे में मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं कर रहे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर कोशिश करूंगा कि जिससे तुम्हें ये समझ आ सके कि बुढ़ापा आने पर क्यों लोग अपनों का साथ छोड़ जाते हैं। एक जंगल में एक वट वृक्ष था जिसपे बहुत सारे पक्षी रहते थे और गिद्ध भी रहता था। वह बहुत ही खुशी के साथ रहते और बहुत ही सुख से रहते थे। वह आपस में प्रेम के साथ खेलते कूदते और वहीं पे अपने सारा दिन घूम फिरने के बाद रात को शाम समय में आने पे वह सो जाते। लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वह एक विपत्ति आ गई, उनपे एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से जंगल में अकाल पड़ गया और सूखा पड़ गया। बारिश ना आने की वजह से सारे वृक्ष सूख गए, बिल्कुल कंकर की तरह हो गए। और सारे पक्षियों ने फैसला किया कि हमें ये वृक्ष छोड़ के हमें दूसरे स्थान पे चले जाना चाहिए। ना तो यहाँ इस पेड़ पे तो पत्ते भी नहीं रहे और ना जल है, ना खाने के लिए कुछ है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। सभी पक्षी छोड़ने के लिए तैयार हो गए और योजना बना ली। उसी समय वहाँ पे एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था, उसे कहा कि भाई तुम भी चलो, अगर बचना है तो चलो, वरना तुम मर जाओगे। उसने कहा कि नहीं, मैं जब विपत्ति में था, असहाय था, जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता मुझे जन्म देते ही स्वर्ग सुधार के मेरा पालन पोषण मुझे बड़ा किया और धूप में मुझे छाया दी, सर्दी में मुझे धूप का सुकून दिया, फल फूल पेड़ पौधे सब कुछ इसी ने मुझे मेरे भोजन की सारी व्यवस्था की। अब इस अकाल में, इस मुसीबत में मैं इसे नहीं छोड़ के जा सकता, यही मेरे माता पिता हैं। बाकी पक्षियों ने कहा, चलो भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बाकी पक्षी वह सारे जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चले गए, जहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी और पेड़ भी हरे भरे थे। गिद्ध वहाँ रहता रहा। कुछ समय के बाद फिर पक्षियों ने योजना बनाई और फिर उसके पास गए। अरे भाई, तुम तो भूखे मर जाओगे, तुम देखो कितने बूढ़े हो चुके हो, कमजोर हो चुके हो, और जिस पेड़ पे तुम रह रहे हो उसकी टाहनियां भी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। वह कभी भी पेड़ टूट सकता है और तुम मर भी सकते हो, तो अब तो चलो। फिर गिद्ध ने कहा, नहीं भाई, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता, आखिरी सांस तक भी इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही मेरे माता है, यही पिता है, मैंने बचपन यहाँ गुजारा है, जवानी यहाँ गुजारी, अब बुढ़ापा है मेरा, अब मैं इसे नहीं छोड़ के जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, अब तुम चले जाओ। पंछी बहुत ही दुखी होने लगे और आपस में बात करने लगे कि गिद्ध का तो दिमाग खराब हो गया है, अब पेड़ के साथ साथ क्या अपनी भी जान देने चाहता है? अगर कोई जाने वाला व्यक्ति हो, उसके मरने वाला व्यक्ति हो, क्या उसी के साथ मरना सही रहेगा? लेकिन उनमें से एक पंछी ने कहा कि चलो, अब हम सभी मिलके सच्ची भावना के साथ गिद्ध को तो नहीं समझा सकते, लेकिन इंद्रदेव के पास चलते हैं। वो इंद्रदेव के पास जाते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के गिद्ध की पूरी हालत बताते हैं कि अरे, वहाँ पे अकाल पड़ गया है, पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं है, पेड़ बिल्कुल कंकर हो चुका है, त्रुर त्रुर हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। हमने गिद्ध को बहुत समझाया, लेकिन गिद्ध अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब आप ही कुछ कीजिए इंद्रदेव। ये बात सुनकर इंद्रदेव जंगल में जाते हैं और कहते हैं, गिद्ध तुम चले जाओ, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और तुम भी बूढ़े हो चुके हो, पेड़ कभी भी गिर जाएगा, तुम्हारी जान को खतरा है,
मरने वाले व्यक्ति के साथ मरा नहीं जाता, ये कहाँ का इंसाफ है। तो तुम अपने दूसरे स्थान पे अपने मित्रों के साथ खुशी पूर्वक चले जाओ। गीत कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बूढ़ा जब मैं असहाय था, जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देने के बाद यहीं से वो स्वर्ग चले गए। इसी ने मेरा पालन पोषण किया है, इसी यहीं पे मेरा घर है, परिवार है, यहीं पे मैं खेलता था बारिश में, धूप में, गर्मियों में छाया लेता था, फल खाता था, अपने मित्रों के साथ मेरा सारा समय यहाँ व्यतीत हुआ। मैं इसके छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि ये आज बूढ़ा हो चुका है क्या, इसलिए। ये बात इंद्रदेव के दिल को बहुत ही छू गई और इंद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए। इंद्रदेव ने कहा कि बोलो गीत, तुम्हें क्या चाहिए। गीत ने कहा कि अरे, मेरा तो बुढ़ापा है और मैं कितने ही दिन का मेहमान हूँ, आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो इस वृक्ष को बिल्कुल पहले की तरह कर दीजिए और इस पे बहुत सारे पत्ते खिल जाएं और इसे तंदुरुस्त एक स्वस्थ वृक्ष की तरह परिवर्तन कर दीजिए। इंद्रदेव की गीत की ये बात सुनकर इंद्रदेव बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने उसी समय बारिश करवा दी। पूरे जंगल में पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो गए, जो गए हुए पक्षी भी थे, पशु पक्षी वगैरह जो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुके थे, वह भी वापस आ गए और पेड़ों पर रहने लगे। अब गिद्ध बूढ़ा हो चुका था लेकिन फिर भी सभी ने उसका खाने पीने रहने का प्रबंध किया और उसे इज्जत मान सम्मान दिया और उसके साथ अंतिम समय में वक्त गुजारने लगे। और उसका इसी प्रभु के साथ उसका एक दिन वह भी गिद्ध भी स्वर्ग को चला गया। हम मित्रों, चाणक्य जी कहते हैं, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो माता पिता हमें धूप में खड़े होके हमें छाया देते हैं, सर्दी में हमें माँ चाहे सर्दी में कितनी ही दुखी क्यों ना हो, वह बच्चा जब गीला होता है तो वह उसे सूखे पक्ष में सुला देती है और खुद गीले में सो जाती है। बाप जो पिता होता है घर का, उसकी चप्पल टूट गई है, उसमें छेद है, लेकिन अपने बच्चे के जूते वो नए डलवाता है। तो उसी तरह हमें अपने बूढ़े माँ बाप कभी नहीं छोड़ने चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन हमारी पालन पोषण में लगाया है। जब उनका बुढ़ापा आए, उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस होती है, हम उनको छोड़ के देश विदेश चले जाते हैं, नए घर गाड़ियाँ बना लेते हैं, अपने सुखपूर्वक रहने लगते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये बहुत ही गलत है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए पूजा हरियाणा वाली के चैनल को। मैं ऐसे ही कीमती वीडियो हमेशा बनाती रहती हूँ दोस्तों। हमें बुढ़ापे में ही तो हमारे माता पिता को हमारी ज़रूरत होती है, सारा जीवन वो हमारे लिए लगाते हैं, हमारी एक भी ख्वाहिश को वो पूरा नहीं करते। जन्म से लेके जब तक हम कहीं स्टैंड नहीं हो जाए, हमारा कहीं नौकरी ना लग जाए, तब तक वो हमारे जीवन को धकेलते रहते हैं। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को तो एक तरफ रख देते हैं। माँ 30 साल की उम्र में ही 60 साल की बूढ़ी हो जाती है और पिता भी 40 साल की उम्र में ही सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे ले लेता है। माँ कितने ही कष्टों और दुखों में हो लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती है। माँ के पास चाहे कुछ खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन माँ भूखी रह लेगी लेकिन अपने बेटे को कभी भी भूखा नहीं रहने देगी। और पिता उसकी शिक्षा के लिए चाहे कहीं भी मेहनत मजदूरी करेगा, लेकिन अपने बच्चे की शिक्षा पूरी करवाने के लिए, उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और जब बेटा कुछ बन जाता है और देश विदेश में अपने परिवार के साथ रहने लगता है, कि ये कह के कि अब हमारे पास समय नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपना कर लीजिए, उस वक्त सोचो दोस्तों उन बूढ़े माता पिता के पे क्या गुजरती होगी। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, आप देश में रहें विदेश में रहें चाहे चारों धाम कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं। जो माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है दोस्तों, जो अपने माता पिता की पूजा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है सच्चे दिल से, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, उसे कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी कामयाबी उसके कदम चूमती है। जो अपने माता पिता की सेवा कर, चाहे वो मंदिर जाए ना जाए, गुरुद्वारा मस्जिद कहीं जाए ना जाए, लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उन्हें आदर मान सम्मान देता है। माता पिता को तुमसे कुछ धन नहीं चाहिए होता है दोस्तों, उन्हें सिर्फ आदर मान सम्मान चाहिए होता है। उनका आशीर्वाद तो आपकी बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में परिवर्तन कर सकता है। आप थोड़ी सी मेहनत में भी आसमान को छू सकते हो, बुलंदी को पा सकते हो, सिर्फ अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही ये मुमकिन होता है। और जो बच्चा अपने माता पिता का सगा नहीं, वो दोस्तों किसी का भी सगा नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा हरियाणा वाले, जय माता दी।